मैक्सिलरी मोलर टूथ एक्सट्रैक्ट करते टाइम एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो देखने को मिल सकता है, जिसे कहते हैं साइनस परफोरेशन और इसे ओरोएंटल फिस्टुला भी कहा जाता है। क्या होता है कि जो मोलर की रूट्स होती है, अपर मोलर्स की जो रूट्स होती है, वो मैक्सिलरी साइनस के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। इसका मतलब वो काफ़ी पास होती है उसके। और रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि साइनस की जो वॉल होती है और टूथ की जो रूट होती है, उन दोनों के बीच में एक थिन बोन प्रेजेंट है। हालांकि ये बोन थिक होती है कॉमनली, लेकिन रेयर चांस ऐसा होता है कि किसी किसी पेशेंट में ये वॉल काफ़ी थिन होती है। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टूथ को, तो टूथ एक्सट्रैक्ट करते टाइम ये जो वॉल होती है ये ब्रेक हो जाती है, या फिर इसमें एक माइक्रो क्रैक बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो वॉल होती है ये एक्सट्रैक्शन के साथ ही बाहर आ जाती है, और वहाँ पर एक ओरोएंटल कम्युनिकेशन बन जाता है। ओरोएंटल कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि वहाँ साइनस परफोरेट हो चुका है और आपका नेजल पैसेज और ओरल पैसेज एक दूसरे के साथ अब कम्युनिकेशन में आ गए हैं। दूसरा इसका होने का रीज़न ये है कि कई बार जब टूथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी कोई रूट अंदर रह जाती है, और अगर इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से यूज़ किया जाए और उसको हार्शली यूज़ किया जाए, तो कई बार वो मैक्सिलरी साइनस को परफोरेट कर देता है इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से अगेन ओरोएंट्रल फिस्चुला या फिर साइनस परफोरेशन हो जाता है। अब ऐसा पेशेंट क्या साइंस शो करता है ऑन डेंटल चेयर, क्योंकि होता तो ये हैंड टू हैंड ही है। ऐसे पेशेंट के अंदर आप जैसे ही वो सांस ले रहा होगा या फिर वो अपनी नाक से सांस छोड़ रहा होगा, तो एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। दैट मींस वो जो सांस छोड़ रहा है वो मुंह से होती हुई नाक से निकल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। साथ में ऐसा पेशेंट जो है वो अपना मुंह नहीं फुला सकता, क्योंकि वो जैसे ही मुंह फुलाने के लिए एयर को ट्रैप करेगा अपने मुंह के अंदर, वो एयर ओरोएंटल कम्युनिकेशन के थ्रू नाक से बाहर आ जाएगी, यानी कि ऐसा पेशेंट मुंह भी नहीं फुला पाता। तीसरा साइन हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आप ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि आप कुल्ला करो, तो पेशेंट के नाक से पानी आने लगता है। जब वो मुंह में पानी रखता है तो कम्युनिकेशन के थ्रू वो नाक में जाके वहाँ से बाहर आ जाता है, और ये चीज़ शो करती है कि हाँ, इसका मैक्सिलरी साइनस परफोरेशन हो गया है, यानी ओरोएंट्रल फिस्टुला बन चुका है। अगर ये एक्सट्रैक्शन करते टाइम हुआ है, या फिर आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, आपको लगता है कि बहुत स्लाइटली ये हुआ है और इसकी वजह से कम्युनिकेशन बन गया है, तो कुछ नहीं करना होता। अगर छोटा परफोरेशन है तो आपको नॉर्मल सूचर देके पेशेंट को भेजना होता है, और पेशेंट 24 घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर ये फिस्चुला काफ़ी बड़ा है या फिर कम्युनिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको बोन ग्राफ्ट डाल के उसको क्लोज करना होता है। इसके अलावा अगर ये परफोरेशन और बड़ा हो चुका है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है जो इसके अंदर जा चुकी है, तब इसको हमें मेजर सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें हमें कार्डवेल ल्यूक जो प्रोसीजर है उसके थ्रू इसकी ओपनिंग को करना होता है, मैक्सिलरी साइनस को ओपन करना होता है। उसके बाद इसके अंदर जो भी अगर फॉरेन बॉडी जा चुकी है उसको रिमूव करके वहाँ पर बोन ग्राफ्ट डाल के और मेम्ब्रेन डाल के उसे क्लोज करना होता है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। इसको मैनेज करना खास मुश्किल नहीं है। अगर एक ओरोएंटल फिस्टुला बहुत छोटा है, जो कि मोस्टली होता है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन रेयरली अक्कर होती है, और अगर होती भी है तो कम्युनिकेशन बहुत छोटा होता है, जिसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट सूचर देना होता है, पेशेंट को समझाना होता है कि अभी 24 घंटे के लिए हो सकता है कि आप जो खाएं पिए वो आपके नाक से बाहर आए, तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद यानी 24 घंटे के बाद जैसे आप पेशेंट को बुला के चेक करते हो, ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो है ये रेयर कंडीशन, लेकिन किसी के साथ भी हो सकती है, और जब भी ये हो आपको डरना नहीं है, सिर्फ पेशेंट को मैनेज करना है, अच्छे से उस सॉकेट को क्लीन करना और वहाँ पर सूचर लगा देना, दैट्स इट। 24 घंटे के बाद ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से मैक्सिलरी साइनस के परफोरेशन को हम मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और अगेन इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।